अपने मोबाइल की इस घंटे के बटन को दबाओ और 8 मिनट की वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन पाओ, फटाफट दबा दो। ओके दोस्तों, ओके। हाय, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ 8 और इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट जानने मिलेगा आपको, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट न्यूज हमारा कैरी मीनाथी के साइड से आ रहा है। तो आप लोगों को पता है कैरी मीनाथी के बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आया था और बीच में वीडियो आने भी वाला था, बट जिसके बारे में रोस्ट बनाने वाला था वो परमिशन नहीं दिया, क्योंकि कैरी मीनाथी हर एक वीडियो परमिशन लेके करता है, तो वो परमिशन नहीं दिया। तो रिसेंटली कैरी मीनाथी फिर उसका वीडियो के रिलेटेड कुछ आप लोग स्टोरी है, तो आप लोग खुद देख लो कैरी मीनाथी वीडियो के रिलेटेड क्या कहा। यो, वीडियो अपडेट, वीडियो ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब खत्म ही है वो, उसको बस मुझे रिकॉर्ड करना है। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग टाइम लेती है, इस साल मेरी थोड़ी सी गले की दिक्कत हो गई थी, उस वजह से मेरे को क्या है ना, ऐसे दो दो लाइनें रिकॉर्ड करनी पड़ रही है हर डे के हिसाब से, वो थोड़ा सा टाइम ले। और दूसरी चीज़, मैं स्टार्टिंग के लिए भी कुछ सोच रहा हूँ, तो वो भी मुझे उसके साथ साथ करना है, तो थोड़ी वाली है मेरी, बट ठीक है, अगर हो जाएगी तो बहुत सही लगेगी, ठीक है। बट एनीवे, जल्दी आ रही है वीडियो, बस थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में टाइम लगेगा, बाकी सब हो गया। मैं सही बताऊं तो इतना मैं टाइम बिल्कुल नहीं लेना चाह रहा था, बट हो क्या जाता ना, बीच बीच में दिक्कतें आ जाती छोटी छोटी, जैसे बीच में परमिशन नहीं मिली और फिर एक मैंने कट बनाया था पहले, वो मैंने बिल्कुल ही फेंक दिया, तो ऐसी होती रहती हैं चीज़ें। पर इस साल मेरा यही प्लान है कि जितनी जल्दी जल्दी मैं तुम्हें वीडियोस दे सकता हूँ उतनी जल्दी मैं दूंगा। ऑब्वियसली क्वालिटी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, वो सब नहीं, बट यस, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी करूंगा। अभी ऐसा सीन है कि मैं हर रोज़ डेली 4 अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं क्या क्या क्या, बट मैं 4 अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ। अब काइंड ऑफ एक रूटीन सा बन गया है मेरा, तो मैं यूज टू हो गया उस चीज़ के, गाढ़ लगती है पर मज़ा आता है। लास्ट चीज, नेक्स्ट न्यूज हर्ष वेन्यूवल के साइड से आ रहा है। तो हर्ष वेन्यूवल रिसेंट जो वीडियो था बर्फी 2 पार्ट 2, शायद आप लोग बहुत लोग देख ही लियो, और देख लियो तो बताना कमेंट में कैसा है। बट उस वीडियो के रिलेटेड एक न्यूज है, उस वीडियो अभी योलो ड्रॉलर बन गया है। अगर आप लोग, वो तो योलो ड्रॉलर पता है, यानी कि योलो ड्रॉलर बनने से यूट्यूब रीच नहीं करेगा आपका वीडियो को, तो हुआ क्या, तो इसके रिलेटेड हर्ष वेन्यूवल एक स्टोरी पोस्ट किया जहाँ लिखा गया रीच पानी में, हो सकता है तो शेयर कर दो कहीं रीच वापस आ जाए। अगर आप लोग देख लिए हो तो फिर एक बार चाहो तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप लोग जाके चेक कर लेना। नेक्स्ट न्यूज़, सौरभ जोशी ब्लॉग्स के साइड से आ रहा। आप लोगों को पता ही होगा सौरभ जोशी ब्लॉग्स और मोनस डे का बीच में बहुत सारा, कुछ दिन पहले बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था। अगर नहीं देखो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया, आप लोग जाके चेक कर लेना। अगर डिस्क्रिप्शन के नीचे जा ही रहे हो तो लाइक बटन भी दबा देना। तो मैं बता दूँ मोटा मोटा में, बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था एक दूसरे के लिए, गलत फैमिली हो गया था। तो अभी क्या हुआ, सौरभ जोशी, उसके बाद सौरभ जोशी मोनस डे को ब्लॉक कर दिया था, बट अभी सौरभ जोशी मोनस डे को अनब्लॉक कर दिया। तो इसके रिलेटेड मोनस डे एक स्टोरी दिया जहाँ लिखा था सौरभ जोशी भाई अनब्लॉक, बहुत खुशी हो रहा है, जो कभी कंट्रोवर्सी था ही नहीं उसे लोगों ने कंट्रोवर्सी बना दिया, बट कोई नहीं, आपका हार्डवर्क हमेशा अप्रिशिएट लेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, सौरभ जोशी क्या थोड़ा एटीट्यूड दिखाया था नहीं? आप लोग को अगर कुछ भी पता है तो कॉमेंट में आप लोग मुझे बताना। एमी वेबंटे और रफ्तार के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, यानी कि फिर 4 साल बाद कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, और एमी वेबंटे रफ्तार के लिए और कृष्णा के लिए डिस्ट्रैक्ट निकाला था कुछ दिन पहले, तो आप लोग सभी लोग देख ही लिए होंगे, और कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में आप लोगों को सबको पता है। तो अभी क्या है, मतलब रफ्तार ने और एमसी स्टैन ने एक स्टोरी दिया, रफ्तार ने एक स्टोरी दिया एमसी स्टैन के साथ, जहाँ नीचे लिखा था 23 को मिलते हैं, शायद ये डिस्ट्रैक्ट होने वाला है एमी वेबंटे के लिए। तो 23 तारीख को ही देखने को है जो ये डिस्ट्रैक्ट होने वाला नहीं, आप लोग कमेंट में बताना अगर आप लोग डिस्ट्रैक्ट के लिए कितना इंटरेस्टेड हो, और अगर आप लोगों को कुछ पता है तो इस कमेंट में बताना ये डिस्ट्रैक्ट है ना कोई रफ्तार का नॉर्मल सॉन्ग आने वाला। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर। अगर इस वीडियो को आप लोग 1% भी पसंद किए तो एक लाइक करके जाना, बाय। नाले याद तेनू करते रहे, कोई साडे वांग करूगा ता पता लगूगा, दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा ता मेरे, दिल नाले लारे नी तू लाउन वाली है, दिल तेरा जदों